आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक जबरदस्त वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आप कहोगे कि आखिर एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक एडजेक्टिव है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, और क्या पढ़ना है उसको आप आराम से ध्यान दें कि एक एल्डर है, एल्डेस्ट है और ओल्डर है और ओल्डेस्ट है। ये टोटल चार शब्द हैं। ये चार शब्द का यूज कहाँ करते हैं? अक्सर एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जाम का प्रिय है, स्पीकिंग में बहुत पूछता है, स्पोकन का प्रिय है। यहाँ बेसिकली मैं बात करूँ तो ये खास करके सबका मतलब होता है बड़ा। ये सबका मतलब बड़ा, किसी का मतलब छोटा नहीं होता। एक एक पॉइंट पेन और पेपर निकालो, कलम कॉपी भी निकालो, तुरंत पढ़ना शुरू करो। ये एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करना कहाँ करना? ब्लड रिलेशन के साथ, ब्लड रिलेशन। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग ब्लड रिलेशन के साथ कभी नहीं करना, क्योंकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग ब्लड रिलेशन में नहीं होता। एल्डर ELDER, एल्डेस्ट ओल्डर ELDER, और देखो साफ लिख दिया ओल्डर ओल्डेस्ट, तो इसका प्रयोग ब्लड से नहीं करना। एल्डर का प्रयोग 90% पॉजिटिव डिग्री में करना। कहाँ करना? पॉजिटिव डिग्री में करना। एकदम आराम से लिखते चलो, धीरे धीरे, आज मैं सिखाने के मूड में हूँ। हमने कहा एल्डर का प्रयोग कहाँ करना? ब्लड रिलेशन में 90% प्रयोग करना। कहाँ? पॉजिटिव डिग्री में। और हाँ, ध्यान रहे, कभी कभी 5% इसका प्रयोग कहाँ करना? कॉम्परेटिव डिग्री में। कहाँ करना? कॉम्परेटिव डिग्री में प्रयोग करना। कॉपी करने का एग्जाम्पल लिखो। हमने कहा एल्डर, हमने कहा राम इज माई एल्डर ब्रदर, तो हमने एल्डर ब्रदर कहा, ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर। हमने एग्जाम्पल दिया, शी इज माई एल्डर सिस्टर, सी इज माई एल्डर सिस्टर। तो बोलो, यहां पर कोई तुलना किया क्या? नहीं ना किया, तो हुआ ना पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी को आप ऐसे ही प्रयोग करते हो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। 90% ही इज माई एल्डर ब्रदर, सी इज माई एल्डर सिस्टर। तो एल्डर का मतलब सिर्फ बड़ा, सिर्फ बड़ा की बात करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पॉजिटिव में। एल्डेस्ट का जो प्रयोग है इसका भी करते हैं पॉजिटिव डिग्री में ही। जैसे हमने बोला कि माय एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका, माय एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन जयपुर, योर एल्डेस्ट सन लिव्स इन जयपुर। तो जितना दिमाग में आए, एल्डेस्ट का मतलब बड़ा, जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा पुत्र। मैं कहूं मेरा सबसे बड़ा बेटा अमेरिका में है, तो माय एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका। तुम्हारा सबसे बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, योर एल्डेस्ट सन लिव्स इन दिल्ली। तो आप सबसे बड़ा जहां बोलना हो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हो। समझ में आ रहा सब? तो आराम से एक एक चीज लिख लो, आराम से करो, स्क्रीनशॉट लेके काम करो। तो यहां ने बात करा 5% कॉम्परेटिव है, कितना परसेंट? 5% कॉम्परेटिव है एल्डर। तो उस केस में इसके साथ देन का प्रयोग नहीं करना, इसके साथ टू का प्रयोग करना। एक खास ध्यान रखे, कैसे? माई ब्रदर राम इज एल्डर टू मी। हमने एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल लिख लिया सबने, मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं और एग्जाम्पल यहां पे दे रहा हूं 5% का। हमने कहा माई ब्रदर राम इज एल्डर टू मी, माई ब्रदर राम इज एल्डर टू मी। एग्जाम में पता क्या देगा? टू की जगह देन दे देगा। हो गया गलती, तो देन नहीं आएगा, टू आएगा। तो माई ब्रदर राम इज एल्डर टू मी, मेरा भाई जो राम है वो मुझसे बड़ा है। तो यहाँ पे तुलना हो गया दो के बीच में, तो यहाँ पे हमने एल्डर का प्रयोग किया, एल्डर टू। बाकी जगह पे एल्डर पॉजिटिव डिग्री है, इसको जहां मन वहां यूज करो, ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, जहां मर्जी। लेकिन अगर तुलना करना हो तो क्या लगाना? टू लगाना। यह बात हो गई किसकी? एल्डर और एल्डेस्ट की। अब हम बात करते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट की, कि आखिर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ओल्डर जो हम लोग का वर्ड है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग ब्लड रिलेशन में नहीं करना। कहां करना? तो इसका प्रयोग करना अदर रिलेशन में, जहां पे एक्स्ट्रा हो, यानी आप कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर हो किसी के साथ भी कर सकते हो, यानी कोई भी एक्स्ट्रा थिंग में प्रयोग कर सकते हो। इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, अदर मेंबर में कर सकते हो, अदर मेंबर में कर सकते हो। अदर मेंबर का मतलब कोई भी आप
एनिमल के साथ प्रयोग कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति के साथ प्रयोग कर सकते हो, कोई भी पर्सन के साथ प्रयोग कर सकते हो, कोई भी प्लेस के साथ प्रयोग कर सकते हो, कोई भी थीम के साथ प्रयोग कर सकते हो। तो कहीं भी आपको ओल्डर में कहीं बड़ा दिखाना हो प्रयोग कर सकते हो। ओल्डर 100% कॉम्परेटिव है। क्या बेटा? 100% कॉम्परेटिव है। तो इसके साथ आप देन का प्रयोग करना, इसके साथ कभी भी देन लगाना, कभी भी इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करना। तो हमने क्या कहा कि ओल्डर तुम्हारा कहाँ प्रयोग करना? किसी के साथ भी। ओल्डर तुम्हारा, मैं फिर से दे रहा हूं, ओल्डर मेरा जो है 100% कॉम्परेटिव है। ओल्डर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे। अगर हमने टू लगाया तो टू लगाना गलत होगा। ओल्डेस्ट तुम्हारा सुपरलेटिव है। ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। जैसे हमने कहा राधा इज ओल्डर देन रीता, तो राधा इज ओल्डर देन रीता, तो राधा इज ओल्डर देन, यानी राधा रीता से बड़ी है। यहां पे सिस्टर नहीं है, सिस्टर आ जाएगा तो एल्डर आ जाएगा। तो हमने कहा राधा इज ओल्डर देन रीता, रीता इज ओल्डर देन भावना, यू आर ओल्डर देन मी, सी इज ओल्डर देन हिम। तो जितना मर्जी हो उतना प्रयोग करो ओल्डर का बड़ा के अर्थों में। हमने कहा दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, दिस डॉग इज ओल्डर देन दैट, दिस पेन इज ओल्डर देन दैट, दिस टेबल इज ओल्डर देन दैट, दिस बोर्ड इज ओल्डर देन दैट, राइट। तो ओल्डर का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का मतलब वो सबसे पुराना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना। हमने कहा दिस इज द ओल्डेस्ट टेंपल इन माय विलेज, दिस इज द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज, ना राम सिंह इज द ओल्ड, राम सिंह इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, इन दिस विलेज। तो जितना मर्जी करे आप सेंटेंस प्रयोग करो, यह सुपरलेटिव है, और आराम से बोलो, जितना मन कर उतना प्रयोग करो, बट जल्दी करो, समय नहीं है, समय निकला जा रहा है, फटाफट प्रयोग करो, बोलो अंग्रेजी। यह हमने पढ़ाया आपको स्पोकन के लिए, रिटन के लिए और ग्रामर के लिए। जितना मन करे उतना प्रयोग करो। और हाँ, आपकी शिकायत होती है कि सर अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से पढ़े तो शाम को 7 बजे, कब बोला? शाम को 7 बजे एक ऑनलाइन बैच, घर बैठ के मोबाइल पे पढ़ सकते हो, टीवी में पढ़ सकते हो, लैपटॉप पढ़ सकते हो। करना क्या है, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है www.dsa.com डाल के चेक कर लेना है कैसे क्लास लेते हैं। घर बैठ के पूरी क्लास मिल सकती है आपको, पूरा क्लास कर सकते हो। दिल्ली आना चाहते हो कोई बात नहीं, दिल्ली दूर नहीं, आराम से दिल्ली आ जाओ, घर बैठ के यहाँ ही पढ़ाते हैं। दिल्ली आप आ जाइए, न्यू बैच स्टार्ट होते रहते हैं, यहाँ भी क्लास कर सकते हो आप। तो जैसे मर्जी क्लास करो। दूसरी शिकायत कि वीडियो नहीं मिलती सर, तो सब्सक्राइब करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, और इस वीडियो को उन बच्चों को दिखाइए जिनको आवश्यकता है। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।